सीपीएम क्या होता है और सीपीएम क्यों नहीं करना चाहिए। बड़े मेन क्वेश्चंस हैं जो लोग जब भी कोई आते हैं ना, जो अपनी जिनकी वेबसाइट्स होती हैं या जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं, तो उनका ये बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि जब वो इस फील्ड में आते हैं तो उनको लगता है कि अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से चलेंगे तो उससे शायद हमें कम पैसे मिलेंगे, और जब हम इस साइड पे जाएंगे यानी कि सीपीएम वर्क की तरफ जाएंगे, सेल्फ लीकिंग की तरफ जाएंगे, तो इससे हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसकी हकीकत क्या होती है और ये काम क्यों नहीं करना चाहिए, तो सीपीएम लोग क्यों करते हैं। सीपीएम की वजह ये होती है कि उससे आप ख़ुद से जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके या ख़ुद से अपनी जो है वो टीम उसको बना के, तो आप क्लिकिंग करते हैं, ख़ुद ऐड लोड करते हैं और उनको वॉच करते हैं। अच्छा, सीपीएम में होता क्या है। सीपीएम में जो मेन चीज़ होती है, फ़र्ज़ करें अगर आपकी कोई वेबसाइट है या आपका कोई चैनल है और उसके ऊपर जो है वो आप वो मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइज होने के बाद क्या करते हैं कि उसके ऊपर हम डिफरेंट प्रॉक्सीज लगा के, तो उसके ऊपर ऐड जब आते हैं तो उनको ख़ुद ही ऐड जो है उन सारे ऐड्स को वॉच किया जाता है। मतलब वो कोई ऑर्गेनिक बंदा नहीं देख रहा होता, बल्कि वो ख़ुद ही हम जो है वो देख रहे होते हैं। तो क्या वजह होती है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, जब भी आप सीपीएम काम करते हैं ना, तो सीपीएम के दौरान आप करते क्या हो कि आप उन एड्स को ख़ुद ही वॉच करते हो। जिस बंदे ने पैसा लगाया होता है ना एड्स के ऊपर, वो उस बंदे ने किस लिए लगाया होता है, उसके बंदे का मकसद ये होता है कि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है उन तक वो अपना पैगाम पहुँचाए या अपनी वो जो वेबसाइट है या चैनल है उसको प्रमोट करे। तो जब एक ही बंदा बैठ के उसके जो है वो एड्स को देख रहा होता है, अब गूगल का तो ये लग रहा होता है या यूट्यूब को तो ये लग रहा होता है कि ये जो है वो लोगों तक ये वेबसाइट्स जो है या ये यूट्यूब चैनल जो है इसके एड्स जा रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या होती है कि वो एक ही बंदा होता है जो उसको बार बार देख रहा होता है डिफरेंट लोकेशन से आईपीज और आरडीपीज लगा के। तो इस तरीके से होता क्या है कि जो बंदा एड्स के ऊपर पैसा लगा रहा होता है उसका पैसा ज़ाया होता है। यानी कि अगर उसने इस मकसद के लिए दिया था ना कि वो उसका ऐड जो है वो 1000 बंदे तक दिखे, और वो 1000 बंदे की बजाय एक ही बंदा उसको बैठ के जो है वो उसको देख रहा है वीपीएन यूज़ करके, तो उस बंदे का पैसा जो है वो ज़ाया हो रहा है। यानी कि अगर आप सीपीएम करते हो तो इससे क्या होता है, जो एडवर्टाइज़र है, जो पैसा लगाने वाला बंदा है, उसका आप नुकसान कर रहे हैं। और जब भी आप किसी को धोखे से, किसी को धोखा दे के नुकसान करके आप पैसे कमा रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो हराम है। ताकि चांसेस होते हैं कि आपकी जो वेबसाइट या आपका चैनल जिसके ऊपर आप सीपीएम वर्क कर रहे हो वो भी पकड़ा जाता है, मोस्टली पकड़ा जाता है। क्योंकि यूट्यूब या गूगल, इनको पता होता है हर चीज़ का। आप कुछ टाइम के लिए धोखा दे सकते हो लेकिन आप उसको लॉन्ग रन में नहीं चला सकते। तो इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे फजूल तरीकों से बचो। बेशक लोग पैसा कमाते हैं लेकिन वो पैसा जो है वो हलाल नहीं होता, किसी ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि आप किसी बंदे को जो है वो धोखा दे के वो पैसे कमा रहे हो। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप लोग ख़ुद से मेहनत करो और ख़ुद से अपना जो है वो अपनी मेहनत के ऊपर जो है वो ये सारा रेवेन्यू जनरेट करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।